सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बाकी परीक्षाएं उन्हीं स्कूलों में होंगी जहां से स्टूडेंट्स का दाखिला है। इस बारे में खुद मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण स्टूडेंट्स का ट्रैवल करना सुरक्षित नहीं है, ऐसे में परीक्षा उन्हीं के स्कूलों में आयोजित होगी। शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होने वाले बोर्ड एग्जाम्स के साथ ही पहले से हो चुकी परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन भी जारी रहेगा, जिसके बाद बोर्ड का रिजल्ट जुलाई के अंत तक जारी किया जा सकता है। वहीं कुछ दिन पहले ही सीबीएसई ने 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए डेट शीट भी जारी कर दी है।